टीचर का कोई वैल्यू नहीं है, दवाई का कोई वैल्यू नहीं। हम मर्डर किए 8 आदमी आई विटनेस, 8 आदमी आई विटनेस, मर्डर हम अपने हाथ से मारे, भागलपुर का बहुचर्चित ओम प्रकाश शर्मा उर्फ ओम बाबा हत्याकांड क्या आपको अब भी याद है? वही हत्याकांड जिसमें 8 अप्रैल 2019 को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी 8 अभियुक्तों को रिहा कर दिया था। शहर के बीचों बीच हुए यह हत्याकांड चर्चित चेहरों का नाम जोड़ने के बाद और भी ज्यादा सनसनीखेज मामला बन चुका था। अब इस पूरे मामले में कोर्ट के फैसले के इतने सालों बाद एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में मामले के अभियुक्तों में एक पवन डालू का नजर आ रहे हैं। 41 सेकंड के इस वीडियो में पवन किसी कपड़े की दुकान पर मौजूद है। वह यह कहते नजर आ रहे हैं कि ओम बाबा का मर्डर हम अपने हाथ से किए, 8 आदमी आई विटनेस था, क्या बिगाड़ लिया मेरा। इसे आप आम वीडियो कम और कबूलनामा ज्यादा कह सकते हैं। हालांकि प्रभात खबर इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। मेरे को किसी तुम कोर्ट नहीं जानता है अंकल, हम तो जानना भी है। जैसे चार्जशीट होने का केस चार्ज होता है, टीचर का कोई वैल्यू नहीं है, दवाई का कोई वैल्यू नहीं। हम तो देखे ही मैंने तो मर्डर में फ्री करवा लिया अपना, आपको कोई वैल्यू नहीं है। जो पैसा खर्चा करेगा कोर्ट में जुडिशरी में, हम मर्डर किए 11 साल बाद सामने आया पवन डालू का यह वीडियो कई सवाल खड़े करने वाला है। साथ ही यह वीडियो भागलपुर के चर्चित ओम बाबा हत्याकांड में इसलिए भी तहलका मचा देने वाला है क्योंकि हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में सारे आरोपित बरी हो चले थे और आखिरकार हत्याकांड की फाइल में किसी सजावार का नाम नहीं जुड़ पाया। चलिए अब इस कबूलनामे के साथ ही हम आपको यह बहुचर्चित हत्याकांड की कहानी को दोहराते हैं। 11 साल पूर्व 21 जून 2013 की रात ओम बाबा का शव उनकी सामान्य व प्राकृतिक मौत की बात कहकर 22 जून 2013 को उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। किसी माध्यम से इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि ओम बाबा की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि हत्या है। सूचना के ठीक बाद कोतवाली थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष व तत्कालीन सिटी डीएसपी मौके पर पहुंचे। ओम बाबा के शव के गले पर निशान देख हत्या का संदेह जताया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट कर गला दबाकर हत्या करने की बात का खुलासा हुआ। शहर के बीचों बीच देवी बाबू धर्मशाला के पीछे एक कीमती भूखंड को लेकर ओम बाबा की हत्या किए जाने की बात ने मामले को चर्चा में ला दिया था। जैसे जैसे कांड का अनुसंधान आगे बढ़ा वैसे वैसे मामले में शहर के चर्चित जनप्रतिनिधि नेता और व्यवसायियों का नाम जुड़ता चला गया था। मामले में पूर्व मेयर रहे दीपक भुवानिया सहित 2 पूर्व वार्ड पार्षद और शहर के चर्चित व्यवसायी पवन कुमार और कन्हैया सरावनी जैसे कई बड़े नाम अप्राथमिक अभियुक्त के तौर पर शामिल किए गए थे। उल्लेखनीय है कि ओम बाबा के पीछे उनका कोई सामने नहीं आया। इसे लेकर कोर्ट में चली सुनवाई में परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। कोतवाली थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अमरनाथ तिवारी के लिखित आवेदन पर मामले में केस दर्ज किया गया था। इसमें अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया। हत्या के पीछे जमीन विवाद होने की बात उल्लेखित की गई थी। इसके बाद कांड के अनुसंधान के दौरान पूर्व मेयर दीपक भुवानिया, पूर्व वार्ड पार्षद शंकर पोदार, संतोष कुमार, पवन डालू का, कन्हैया शर्मा, कन्हैया सरावनी, संजय कौशिक और संजीव कुमार उर्फ सिंह जी को अप्राथमिक आरोपित बताया गया था। 8 अप्रैल 2019 को सुनवाई पूरी होती है। अप्रैल माह में तत्कालीन एडीजे 7 बीके मिश्रा की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी 8 अभियुक्तों को रिहा कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला दोनों ही पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद दिया था।
ऐसे में 11 साल बाद सामने आए इस वीडियो ने एक बार फिर से मामले को सनसनीखेज मामला बना दिया है और चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है कि क्या इस पूरे मामले में सुनाया गया फैसला वाकई सही था। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।